जैसे इवेंट मैनेजर इस क्षेत्र में आए हैं उसके बाद से आपने देखा है कि राजस्थान के टूरिज्म को चार चांद लगे, क्योंकि जो राजस्थान में इवेंट मैनेजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की है और जो बहुत गैगी गैगिंग हैं, बड़े डिपेंडेबल हैं, रिलायबल हैं, आप उनके संग काम कर सकते हैं। सिटी लाइक डायलॉग में मैं हरप्रीत सिंह, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स, आज हम मुलाकात करेंगे एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर राजीव अरोड़ा जी से। राजीव सर, इवेंट मैनेजर्स डे के उपलक्ष्य में हम कुछ सेलिब्रेशंस हर साल करते हैं, जिसके तहत हमने एक टॉक शो की पॉलिसी और एक टॉक शो का प्रोसेस शुरू किया है। तो अगर हम इवेंट मैनेजमेंट के नज़रिए से देखें तो आप पॉलिटिकली, सोशली, एंटरप्रेनर्स के तौर पे बहुत अच्छे से एक्टिव हैं इस चीज़ में, तो इवेंट मैनेजर के रोल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से जज करते हैं? मेरे ख्याल से इवेंट मैनेजर जो है वो कोई भी एक सक्सेसफुल सेलिब्रेशन का, सक्सेसफुल इवेंट की रीढ़ की हड्डी है। वो बैकबोन इसलिए है कि चाहे आप कोई बड़ी वेडिंग करो, चाहे कोई कॉरपोरेट प्रोग्राम करो जयपुर में, राजस्थान में कोई सोशल प्रोग्राम करो, आज के ज़माने में जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो उसको इतना समय नहीं होता कि एक छोटी सी छोटी चीज़ को वो कंप्लीट कर सके, क्योंकि अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो इनविटेशन देने से लेके गेस्ट का वेलकम करने तक और उसके बाद पूरा इवेंट को सही तरीके से चलाना, उसके बाद उसको वाइंड अप करना और उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आए, ये काम अब प्रोफेशनली इवेंट मैनेजर करने लगे हैं। और जब से इवेंट मैनेजर इस क्षेत्र में आए हैं उसके बाद से आपने देखा है कि राजस्थान के टूरिज़्म को चार चांद लगे हैं, क्योंकि जो राजस्थान में इवेंट मैनेजर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही प्रोफेशनल लोगों की है और जो बहुत गैगी गैगिंग हैं, बड़े डिपेंडेबल हैं, रिलायबल हैं, आप उनके संग काम कर सकते हैं। और क्योंकि राजस्थान के लोगों के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है, बहुत ज़्यादा लगाव है, हम हमेशा से बोलते हैं कि अतिथि देवो भव है, और इसीलिए जब इवेंट मैनेजर को आप कोई जिम्मा दे देते हैं तो वो दुनिया भर से लोगों को हिंदुस्तान और राजस्थान आकर्षित करते हैं और बोलते हैं पधारो भारे देश। तो ये काम जो हो रहा है ये इवेंट मैनेजर के थ्रू हो रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि क्योंकि मैं लंबे समय से आपके एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है और मुझे लगता है कि आपको शायद मालूम नहीं है कि आप कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं राजस्थान के अंदर टूरिज़्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंजन है वो टूरिज़्म है और टूरिज़्म के लिए लोग एक तो किले, महल, शहरों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपके पास खूबसूरत लोकेशंस हों तो क्यों नहीं वहाँ पर शादी करी जाए, क्यों नहीं वहाँ पर दूसरे फंक्शन करे जाएँ, क्यों नहीं कॉरपोरेट अफेयर्स करे जाएँ। और जब जयपुर जैसा डेस्टिनेशन हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, जैसलमेर हो, वहाँ पे लोग इसलिए भी आते हैं कि उसके संग एगेट बोनांजा है, वहाँ पे कोई कपड़े की शॉपिंग करता है, कोई ज्वेलरी की शॉपिंग करता है, कोई जूतियाँ खरीद के लेके जाता है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से कोई दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे आप टूरिस्ट को बुलाओ या किसी कॉरपोरेट को बुलाओ और उसकी पत्नी भी संग में बोले कि मैं भी चलूँगी क्योंकि मुझे भी आप वहाँ पर काम करोगे, इतनी देर में शॉपिंग करूँगी। तो ये सब जो हो रहा है उसमें इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 साल का अगर इतिहास देखें तो निकोलस पेरेमिल की शादी राजस्थान में हुई, मुकेश अंबानी जी की डॉटर की शादी अभी उन्होंने रिसेंटली यहाँ करी, ऐसे बहुत सारे बड़े घराने हैं हिंदुस्तान के जो शायद राजस्थान को प्रेफर करते हैं एज अ डेस्टिनेशन।
तो क्या सर इससे ये जो इवेंट मैनेजमेंट का काम जो हम लोग करते हैं और ये जितने बड़े शादियां और ये बड़े पॉलिटिकल प्रोसेसेस यहाँ होते हैं उससे इकोनॉमी को किस लेवल पे हेल्प मिलती है और क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसे इनिशिएटिव, जैसे आप तो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसे इंसेंटिव्स या इनिशिएटिव्स हैं जो आगे आने वाले समय में हमारे इस प्रोसेस को और हमारे इकोनॉमी को और ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अच्छी लोकेशन है, कोई भी जना आके वहाँ पे कुछ प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन उसका पूरा समय उसमें लग जाए, दूसरे शहर में जाके आप प्रोग्राम कर रहे हो, आपको मालूम नहीं कि वहाँ पे खाना कौन बनाएगा, फूल कौन लेके आएगा, शामियाना किससे लगाएंगे, घोड़ी का इंतजाम कौन करेगा। तो इस काम में जब आप एक इवेंट मैनेजर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो कई बार आपको लगता होगा लोगों को कि शायद महंगा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो सस्ता होता है, क्योंकि आपको सारे वेंगर मालूम है, आपकी रिक्वायरमेंट मालूम है, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो अल्टीमेटली इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू डू एन इवेंट थ्रू एन इवेंट मैनेजर, नहीं तो आप खुद करो, उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है। सरकार का रोल इसमें बहुत सीमित है। महत्वपूर्ण बात है, सरकार का रोल कहाँ पर आता है, जब लोग यहाँ पर आएँ उनको सुरक्षित वातावरण मिले। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आने को से कतराएगा, चोरी ना हो, सामान यहाँ पे आता है, लोग किसी के संग बुली नहीं करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सरकार का है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एयरपोर्ट बने, जो सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो बसेस के थ्रू हो वो अच्छा होना चाहिए, टैक्सी सही समय पर मिले, जो टैक्सी ड्राइवर हो वो किसी संग बेईमानी नहीं करे। तो एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में सरकार का बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं क्योंकि राजस्थान टूरिज़्म का चेयरमैन रहा हूँ, हमेशा से मैंने सोचा है कि अगर एक रात को किसी होटल का कमरा खाली रह जाता है तो जो अगर कमरा वो 4,000 रुपये का बिकता है तो 1,000 रुपये तो कम से कम उसका खर्चा होता ही होता है, सफाई भी करनी पड़ती है, उसको नई बेडशीट भी लगा के रखनी पड़ती है, तो एक भी नाइट खाली ना जाए। और एक जब टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो इसे 17-18 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार देता है, जिसमें एक रिक्शा पुलर से लेके टैक्सी ड्राइवर तक, गाइड तक, रिसेप्शनिस्ट, खाना परोसने वाला, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, इसका सरकार को आइडिया नहीं है। हमने बहुत नज़दीकी से इसको देखा है। मेरी तो ये इच्छा है कि कम से कम टैक्सेशन हो उसके ऊपर, सरकार लोगों को आने के लिए मौका दे, जब वो यहाँ पे आके कुछ स्पेंड करते हैं तो उसके बदले में आपको GST मिलता है, दूसरे सर्विसेज के टैक्स मिलते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे जिन्होंने होटल चला रखा है, ट्रेवल एजेंसी चला रखी है, दे अर्न एंड देन दे पे टू द गवर्नमेंट इनकम टैक्स। तो हम क्यों नहीं इस बात को समझने की कोशिश करते कि टूरिज़्म एक ऐसा बेबी है जिसको आगे ग्रो कर सकते हैं, और बड़ा होने के बाद वो अपने माता पिता को कमा के देगा। वो स्थिति आज की तारीख में टूरिज़्म की है और हम इस महत्व को समझते नहीं हैं। मैं दुनिया में कम से कम 50 देशों की मैंने यात्रा करी है और 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सिटीज़ के अंदर गया हूँ। जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। जब भी आप कोई, जैसे जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बात होती है, कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, या एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, आप इतनी बात बोलना शुरू करो महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में, तो उस बच्चे के दिमाग में आएगा कि राजस्थान याद आएगी। तो इतना कुछ राजस्थान में सब कुछ देने के लिए है, जहाँ पे हर पॉकेट को सूट करने वाला टूरिज़्म है। एक बैकपैकर आके यहाँ पे गवर्नमेंट मिक्सी के अंदर रह सकता है, और राजविलास, रामबाग और पैलेस ऑफ व्हील्स जैसे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका पूरी तरह से उपयोग करा जाना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट के रोल को समझना चाहिए सरकार को भी, और उसके संग संग अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, जब मेरे जैसा व्यापारी एंटरप्रेन्योर जो कि ज्वेलरी डिज़ाइन करता है, ज्वेलरी का काम करता है, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी आप कड़ी हो, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और उसकी वजह से शॉपिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक सारे इवेंट मैनेजर्स की तो आपकी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन कैसे प्रोग्राम्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, ट्रेड फेयर्स के थ्रू, कन्वेंशंस के थ्रू, वेडिंग्स के थ्रू यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए टाइम टू टाइम सारे स्टेक होल्डर्स को भी बैठ के मिलना चाहिए, हमको अपनी बात करनी चाहिए, और जितनी बार आप मंथन करोगे तभी अमृत निकल के आएगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे,
आपका एक्सपीरियंस हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में बहुत अच्छा है और काफ़ी रिच है. सो अगर इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से आप समझते हैं, तो कोई एक पॉजिटिव मैसेज जो आप इंडस्ट्री को देना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि एक आदमी की ज़िंदगी में तीन हिस्से होते हैं. पहला तो हिस्सा होता है लर्निंग, जिसमें हम संस्कार सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं. दूसरा हिस्सा होता है अर्निंग, जिसमें हम पैसा भी कमाते हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमाते हैं. और तीसरा हिस्सा होता है रिटर्निंग. तो आप लोगों ने बहुत अच्छा लर्न करा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को हम क्या देके जा रहे हैं, ये भी हमको सोचना चाहिए. क्या ज़रूरत है? जयपुर अगर शहर साफ़ होगा, राजस्थान अगर साफ होगा, तो लोग यहाँ पर आएंगे. क्लीन और ग्रीन सिटी होना चाहिए, बीमारी नहीं लगे लोगों को, आने वाली जनरेशन को. उसके प्रति भी इवेंट मैनेजर्स का बहुत बड़ा योगदान है. कई बार देखते हैं कि किसी गली में, किसी चौराहे पे, किसी कॉलोनी के अंदर लोग कुछ इवेंट करते हैं, वहाँ पे कैंक लगा देते हैं, सड़क टूटी रहती है, खाने की पत्तल सामान बिखरा हुआ रहता है, हैपजा की स्थिति में रहती है. वहाँ पे जो पालतू पशु पक्षी हैं वो आ जाते हैं, गाय कुत्ते वहाँ पे आपको नज़र आते हैं. एक इवेंट मैनेजर की संग संग आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को क्लीन रखें. जो बाहर से आदमी यहाँ पे आता है, उसको कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी इवेंट मैनेजर ने चीट करा. तो हमारे पास बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके बारे में लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए. आप लोग इवेंट मैनेजर के जो लोग बाग हैं, वो हमारे ट्रू ब्रांड एम्बेसडर हैं. आप द फर्स्ट इंटरेक्शन फॉर ए पर्सन हु इज़ कमिंग टू राजस्थान डूइंग एन इवेंट इज़ विद इवेंट मैनेजर. और अगर आप अच्छी बात करेंगे, अगर वो आज का अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा, तो उससे पूरे राजस्थान के जो सिटीजन्स हैं उनको एक उनकी तारीफ होगी, उनके बारे में अच्छी सोच बनेगी. आई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेज फॉर द इवेंट मैनेजर्स के जयपुर बीग द ओरिजिनल प्लेस वेयर दिस इवेंट मैनेजर एसोसिएशन स्टार्टेड एंड नाउ इट इज़ बींग सेलिब्रेटेड ग्लोबली. आई बिलीव दैट the coming years event managers will play their role very responsibly. I wish them full success. Thank you, sir, for such your valuable comments and your time. Once again, I thank City Life and all the best for Event Managers Day.